निकल रहे हैं चार लोग घर से, साथ में विशाल और मेरी वाइफ तो मन ना अभिषेक और थोड़ा काम करना कंस्ट्रक्शन का। तो कहाँ जा रहे हैं आज हम? तो हम जा रहे हैं रेलवे क्या और रेलवे म्यूजियम। रेलवे म्यूजियम जा रहे हैं, ये सलाह दी थी हमने, हमें विशाल ने सलाह दी थी हमने, इसने भी विशाल ने सलाह दी थी हमने जाने की। सोचे चलो देख आते हैं वहाँ पे चल के आ रहा है, पूरे बादलों की आवाज आ रही है। बंद है ये कब्रिस्तान पूरा, और थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद थोड़ा दिख जाए। बस आएगी, कितना अच्छा व्यू दिख रहा है इसमें, बस आएगी और ये हम सब बस का वेट कर रहे हैं। अरे फाइनली बस आ रही है, थोड़ी देर में थोड़ा वेट करना पड़ता है, 5-10 मिनट में बस आ जाती है। बस अभी भी बस नहीं आई हमारी, वो वेट कर रहे हैं अभी, आधा घंटा हो गया। देख सकते हैं बस में बहुत भीड़ है, पूरी खटाखट बस भरी हुई है भीड़ से। हम थोड़ा बैठे हैं, तो ये भी हमारे आगे वाले हैं, मेरी वाइफ बैठी है आगे। भीड़ तो काफ़ी है बट कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये है शिमला का ओल्ड बस स्टैंड, यहाँ पे सारी लोकल बसेस चलती हैं। और यहाँ पे सारी ओल्ड बसेस ही चलती हैं, यहाँ पे सारी ओल्ड बसें चलती हैं, शिमला गोवा दिल्ली शोकी शोकी से सारी ओल्ड बसेस जाती हैं। बाजे दे रहे हैं जो समरेल बाजू बालूगंज, यहाँ से हम पैदल पैदल जाएंगे रेलवे स्टेशन पे, थोड़ा पुराना रेलवे स्टेशन देख लेंगे। गणाटी कुप्तु पनेश कुनिहार कुनिहार। और ये सिद्धू मूसे वाला जी का पोस्टर यहाँ बसों पे भी लगा है। Thank you.
बस 5 मिनट के रास्ते में पहुंच जाएंगे शिमला रेलवे स्टेशन, और देखेंगे कि वहाँ पे अंग्रेज़ों ने कैसे कैसे काम किया, और पहाड़ों के बीच में एक छोटे से खूबसूरत स्टेशन की बनावट उन्होंने देखेंगे कैसे की, और पुराने इंजन्स वगैरह देखेंगे। ये जाएगी कालका, और इसकी सीट देखिए अभी भी अच्छी है। कालका ये टॉय ट्रेन डीलक्स ट्रेन भी बोलते हैं, और ये जाएगी शिमला टू कालका। कम से कम कालका के लिए 6 घंटे लगाती है पूरे, और मतलब ठीक है, सीट भी अच्छी बनी है, कर्टन्स वगैरह लगे इसमें, और अंदर का भी देख सकते हैं, इंटीरियर इसका अच्छा है। यहाँ शिमला चर्च का एक पोस्टर भी है। अरे गर्मी लग ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और कहीं ऊपर चढ़ रहा है, कोई नीचे आ रहा है, देखो कैसे फिसल फिसल के आ रहा है, मतलब ध्यान से जंप। ये तो वैसे भी खतरों के खिलाड़ी पार्ट 4 में गया था, तो वहाँ पे इसको केंचुए खाने पड़े, तो वापस आ गया। शिमला का पुराना इंजन यहाँ पे इन्होंने रखा है, ये मतलब ब्रिटिश राज्य का है, मतलब उन्होंने ही बनाया ये इंजन। एक इसकी बनावट स्नो कटर लगा आगे सिल्वर कलर का, लाइट देखिए एकदम बड़ी लगी है पूरी पटरी पे, और ये कोयले वाली ट्रेन बोल रहे हैं इसमें, देखिए कोयला भी आप खुद देख सकते हैं कि कोयला भी इसमें काफ़ी पड़ा हुआ है, पुराने टाइम की है ये ट्रेन। इंजन है जो ऊपर कुछ बंदर खड़खड़ कर रहे हैं, जो पुराने टाइम की इंजन है, भाप वाला इंजन है, और इसे कोयले वाले से कोयला रखा होता है, कोयले से चलता है ये पूरा रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं नीचे ट्रैक्स, दिखाऊं तो आपको थोड़ा जूम करके, देखिए शिमला रेलवे स्टेशन। और गाइस यहाँ पे मतलब कि ये भी एक घूमने के पॉइंट में वैसे आता है, अगर आप कहीं घूमना चाह रहे हो तो यहाँ भी थोड़ा देख के आ सकते हो, एंटीक्स मिल जाता है, हिस्ट्री थोड़ा हिस्टोरिकल भी है। कालका शिमला, और ये यहाँ के मार जा रहे हैं।
तो ये है मॉल रोड, हम आए मॉल रोड घूमने, रात का टाइम है और मॉल रोड पे आए घूमने। अभी भी बहुत भीड़ है क्योंकि ये चल रहा है अभी जून का महीना, तो इसमें ज़्यादा भीड़ होती है, टूरिस्ट वगैरह आते हैं जहाँ पे थोड़ा लुत्फ लेने। देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ है, और सामने वो जाखू हिल पे चमक रही है। बहुत सारे टूरिस्ट आए होते हैं यहाँ पे, भीड़ भी बहुत है, काफी भीड़ होती है मॉल रोड पे। वही है, हाँ आ जाओ देखिए अभी आप वीडियो। और ये आइसक्रीम वाले हैं दूसरे जो बनाते हैं आइसक्रीम, जो लोगों के साथ थोड़ा आइसक्रीम के साथ प्रैंक सा करते हैं, खिलवाड़ करते हैं लोगों के साथ, आइसक्रीम में देते नहीं है मतलब, ये थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि शिमला माल रोड पे हैं। अब देख सकते हैं चर्च का नज़ारा, और ये चर्च है, लोग यहाँ पे फोटोस वगैरह लेते हैं, मतलब अच्छा है व्यू। बहुत भीड़ है यहाँ पे, देखिए अब ये है माल रोड और ये रिज मैदान, खूबसूरत चर्च क्रॉस, मतलब कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, देख सकते हैं का नाइट व्यू देख सकते हैं कितना सुंदर लगता है, मतलब वो सामने चर्च दिख रही है आपको, दिख रही होगी येलो कलर की और क्रॉस लगा ऊपर रेड कलर का। शिमला के रात खूबसूरत लगती है, एकदम लाइटिंग पूरी लगती है। तो गाइस एक बार शिमला ज़रूर आओ, लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए शिमला का। बाय बाय, टेक केयर।